आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है बहुत ही महत्वपूर्ण है आम आदमी पार्टी के लिए भी और हरियाणा प्रदेश के लिए भी और आने वाले जो हमारे विधानसभा चुनाव है उन सब के लिए। साथियों, मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि आम आदमी पार्टी अपने बलबूते पर पूरे हरियाणा में दम और खम से चुनाव लड़ेगी। हमारी तैयारी पहले ब्लॉक स्तर पर थी, सर्कल स्तर पर थी और गांव और वार्ड स्तर पर थी। आज से हम अपना कैंपेन लॉन्च कर रहे हैं बूथ स्तर पर। हर एक बूथ की हमारी कमेटी होगी, हर एक बूथ पे 11 सदस्य कमेटी होगी, 11 के 11 सदस्य बूथ पर, एक बूथ इंचार्ज होगा। अब से पहले हमारी पूरी तैयारी जो है विधानसभा की तैयारी हो चुकी है। आज हम बदलाव जनसंवाद लॉन्च कर रहे हैं पूरे हरियाणा में। कल से हमारा हर गांव में, हर वार्ड में हम इस बदलाव जनसंवाद को लेकर जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी के जो कुशासन, जो उनको किसान, मजदूर, कर्मचारी, व्यापारी विरोधी जो नीतियां रही है उनको हम उजागर करेंगे, जन जन तक लेके जाएंगे। चाहे वो नीट का एग्ज़ाम हो, पिछले 7 साल में लगभग 70 एग्ज़ाम पेपर लीक होना ये बहुत बड़ी कमजोरी रही है। चाहे युवाओं के साथ रोजगार में खिलवाड़ करना, चाहे युवाओं को आर्थिक आधार पर नौकरी देकर उनके लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में न लड़ना, ये बहुत बड़ी कमजोरी रही है भारतीय जनता पार्टी की। और उससे पीछे का जो 10 साल कांग्रेस, उससे पीछे इनेलो और इन 5 साल में जेजेपी, सभी ने बारी बारी लूटा। कोई भी क्षेत्रीय और राष्ट्रीय पार्टी ऐसी नहीं है जिसमें हरियाणा के लोगों ने जिसको मौका ना दिया हो। एक भी पार्टी, चाहे वो इनेलो हो, चाहे वो जेजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, हरियाणा के लोगों ने सभी को आदर दिया है, सभी का मान सम्मान रखा है और सभी को एक कार्य करने का मौका दिया है। और हरियाणा के लोग पूरा का पूरा बदलाव चाहते हैं। जो हरियाणा सरकार की गाड़ी है, पहले टायर किसी का था, स्टीयरिंग किसी का था, अब हरियाणा के लोग चाहते हैं कि हम गाड़ी नहीं बदलेंगे। हरियाणा के लोग कहते हैं गाड़ी का टायर नहीं बदलेंगे, हम पूरी गाड़ी बदलेंगे। पूरे बदलाव के लिए हरियाणा के लोगों के बीच आम आदमी पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता और पदाधिकारी जाएगा और हम पूरी गाड़ी को ही बदल के रख देंगे। आने वाला समय आम आदमी पार्टी का होगा, आम आदमी का होगा। और एक मौका हरियाणा के लाल केजरीवाल के नाम पर हरियाणा के लोगों से हम मांगेंगे। हरियाणा के लोगों ने आज तक किसी को निराश नहीं किया है, किसी भी क्षेत्रीय और राष्ट्रीय पार्टी को निराश नहीं किया है, तो हरियाणा के लोग हमें भी निराश नहीं करेंगे। हमें उम्मीद है और भरोसा है, हमें वो प्यार देंगे, मान सम्मान देंगे और एक मौका 2024 में हरियाणा में हरियाणा सरकार बनाने का देंगे। और हरियाणा की सरकार बनते ही आम आदमी पार्टी ने जो अपने घोषणा पत्र में कहा है कि हम 300 यूनिट बिजली पर मंथ, महिलाओं को सम्मान, युवाओं को 2 लाख भर्ती, हमने पहले ही कहा रोजगार, बिजली और पानी की व्यवस्था, ये सब मुद्दों के साथ हम हरियाणा के गांव-गांव, वार्ड-वार्ड में जा रहे हैं और बिल्कुल हम कुरुक्षेत्र की तरह डट कर चुनाव लड़ेंगे। भले ही कुरुक्षेत्र में हम कुछ मार्जिन से हारे, पर तो इतिहास में पहली बार हुआ है कि कोई हारने वाली टीम ने 4 लाख, तो आज तक किसी ने लिए 5 लाख से ज़्यादा वोट लिए हैं। कुरुक्षेत्र की जनता ने, हरियाणा की जनता ने हमें भरपूर प्यार दिया है, मान सम्मान दिया है, हम उनका धन्यवाद करते हैं, कदर करते हैं और पूरे ऊर्जा और उत्साह के साथ, पूरी देश प्रेम और प्रदेश प्रेम के साथ हम मैदान पर उतर रहे हैं। हमारे साथी उतर रहे हैं, हमारी केंद्रीय टीम, हमारे प्रभारी लग चुके हैं, हमारे चाहे लोकसभा प्रभारी है, विधानसभा, ब्लॉक और सर्कल तक के प्रभारी हमारी टीम ने लगा दिए हैं। पूरी जुनून के साथ, पूरे उत्साह के साथ, पूरे हौसले के साथ पार्टी मैदान में जा रही है। 2024 का चुनाव बड़े जुनून के साथ पूरे हरियाणा में हम लड़ेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हमारा सर्वे होता है, पंजाब में भी देखा हुआ आपने कि किस प्रकार से लोगों ने भगवत मान को प्यार दिया। आने वाला समय बताएगा, अभी तो हमारा सर्वे विधानसभा पर भी सर्वे है। हम सब साथी पार्टी प्रत्याशियों के लिए भी सर्वे शुरू हो चुका है। पार्टी का
ही घोड़े पे हम दाव खेलेंगे, पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता पे दाव खेलेंगे, आम आदमी चुनाव लड़ेगा पंजाब की तरह। जिस प्रकार पंजाब में 92 में से 82 MLA पहली बार चुनाव लड़के आए थे, इसी प्रकार एक आम घर का परिवार का बेटा, एक किसान का बेटा, एक मजदूर का बेटा, पढ़ा लिखा नौजवान युवा जो है वो विधानसभा जाए। ये कहना शायद किसी कार्यकर्ता और पदाधिकारी के साथ अन्याय होगा कि कितने चेहरे हैं। आपसे सूची भी मांगी होगी, आप जिला प्रधान है, पार्टी वाला ने मैं कह रहा हूँ किसी कार्यकर्ता के साथ अन्याय हो जाएगा। हमारी पार्टी कहती है हम दो तरह के सर्वे करवा रहे हैं, एक पब्लिक सर्वे है और एक पार्टी अपने सर्वे पर कर रही है। पब्लिक सर्वे और पार्टी सर्वे दोनों मैच करेंगे, फिर जितने पदाधिकारी उनकी रिकमेंडेशन तीनों चीजें होंगी, तो उन तीनों चीजों पर जो खरा उतरेगा पूरी ईमानदारी से उसी को चुनाव में लड़ाया जाएगा। और वो मैं कहता हूँ ईमानदारी से आम आदमी पार्टी का ही समर्पित कार्यकर्ता और समर्पित पदाधिकारी होगा। सुशील गुप्ता जी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष, जो हमारी पार्टी के समर्पित सिपाही है, केजरीवाल जी की आस्था और विचार और भावनाओं में विचार रखते हैं, वो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष बने रहेंगे और बड़े दमदार और बड़े ही उत्साहित हमारे अध्यक्ष हैं। इस तरह की चर्चाओं से किसको फायदा हो रहा है, आपको लगता है कुछ ऐसा? देखिए बहुत सी विपक्ष की पार्टी का मुद्दा नहीं होता, जब विपक्ष के पार्टी के पास किसी के पास हमारे जो सत्ता में पार्टी है या सत्ता से दूसरी पार्टी है उनके पास जब कोई मुद्दा नहीं होता आम आदमी पार्टी को रोकने का, वो ऐसे चर्चाएं चलाते रहते हैं, ऐसे प्रचार करते रहते हैं। इन प्रचार का हमारी पार्टी पर, हमारे पदाधिकारी कार्यकर्ताओं पर कोई असर नहीं होता। देखिए अभी मैं उस बात को आता हूँ, हाँ मैं बताता हूँ कि लोकसभा और विधानसभा दोनों का बिल्कुल डिफरेंट चुनाव होता है। अभी तक पूरे, अगर मैं हिंदुस्तान की बात करता हूँ, हिंदुस्तान में हम केवल 22 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रहे थे। अब जो पार्टी केवल 22 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही हो, तो पूरा जो देश है वो ये बात देखता है कि अगर 22 की 22 भी आ जाती सरकार नहीं बना सकती, तो ये अलग डिफरेंट होता है। परंतु जब हम हरियाणा में पूरी की पूरी विधानसभा पर चुनाव लड़ेंगे तो विधानसभा और लोकसभा बिल्कुल अलग है। जैसे पंजाब देखा आपने, दिल्ली में हमारे दो बार देखा आपने, हम पिछली बार भी लोकसभा हार गए थे 7-7, उसके बाद हमने 62 विधानसभाएं जीती। तो ये बिल्कुल डिफरेंट और यूनिक होगा, हम सरकार बनाएंगे और ज़्यादातर मैक्सिमम विधानसभा सीटों पर हमारे कैंडिडेट जीत करेंगे। सुशील गुप्ता को कांग्रेस का एजेंट बता रहे हैं, कांग्रेस का एजेंट नहीं है वो, आम आदमी पार्टी का एक सच्चा सिपाही है और बहुत महत्वपूर्ण पद के ऊपर है, जो आम आदमी पार्टी का मुख्य पद है उसके ऊपर है और बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। कुछ एक लोग ऐसे होते हैं जो किसी दूसरी पार्टियों से प्रभावित होकर इस प्रकार के विचारों को रखते हैं। तो क्या मानते हैं हरियाणा में उछाने की बात करें तो किस तरह का जो आम आदमी पार्टी संगठन बना पाएगी, किस तरह की उछाना की बात आप करना चाहते हैं? उछाना के अंदर संगठन बन चुका है और आने वाले समय में उछाना के अंदर आम आदमी पार्टी की जो जीत होगी, सबसे पहले उछाना से जीत की शुरुआत होगी।